जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, साथ ही देखेंगे कुछ एक पोजिशनल ब्रेकआउट स्टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार एक ट्रेंड लाइन के साथ मूव दे रहा है एंड कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में ही चला हुआ है। आज के दिन निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद एक दोबारा अपना अप मूव कंटिन्यू करता रहा एंड क्योंकि एक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है एंड ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी डाउन है अभी, तो लास्ट में अगर आप देखें जस्ट बिफोर क्लोजिंग निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब आई वुड सजेस्ट कि कल का दिन आप थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव हैं। इंडियन मार्केट्स ने अभी तक उतना रिएक्ट नहीं किया है। अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आज क्लोज हुए थे, बिल्कुल एक साइडवेज मूव देने के बाद। कल अगर एक अप ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करता है तो ध्यान देने वाली बात यह है दैट अभी निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ से इसका जो एक अप मूव है उसमें आपको रूम काफ़ी कम बचता है, तो अनदर 100-150 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी वही अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी रूम बचा हुआ है, तो कल का ट्रेड थोड़ा कॉशियसली करें। कल अगर निफ्टी आपका इन्हीं लेवल्स पे खुलता है एंड यहाँ से थोड़ा अप मूव कंटिन्यू करता है तो आप इसके नियर टारगेट्स रख सकते हैं 16,600, 16,700। ये इसके नियर फ्यूचर टारगेट्स होंगे। अगर निफ्टी इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ फिर एक डाउनवर्ड मूव दिखाता है तो देन आपको यहाँ से थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा बिकॉज इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट्स जो हैं वो आपका 16,500 एक राउंड लेवल पे अच्छा सपोर्ट है एंड उसके बाद सीधा एक 16,350 के लेवल्स पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कल का दिन थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें एंड अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान करें कि निफ्टी में रूम थोड़ा अप मूव के लिए कम है एंड अगर एक नेगेटिव सेंटिमेंट एक्शन होता है प्राइस में दिखता है आपको तो नीचे का मूव उस हिसाब से सपोर्ट लेवल्स के साथ प्लान करें। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी एक बार। बैंक निफ्टी ने आज एक कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट दी है। आज सुबह मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे एक कॉल शेयर करी थी, जो वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी एक लिमिटेड रूम फॉर प्रॉफिट दिया था, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा दैट यूजुअली जब भी मैं कॉल्स देता हूँ तो उनके टारगेट्स ओपन होते हैं, बट आज मार्केट में सेंटिमेंट ऐसा था दैट मैंने काफ़ी एक लिमिटेड 25, 45 एंड देन 55 रुपीज़ तक का टारगेट दिया था, तो काफ़ी एक लिमिटेड पोर्शन था जिसमें मैंने आपको टारगेट दिया था डिफाइन करके। एक साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो बाई साइड पे अपनी पोजीशन बना के चले। नेवरदलेस अगर आप देखें तो आज बैंक निफ्टी ने साइड मूव के बाद एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड भी दिया, बट ये इतना स्लो था दैट आज सारे प्रीमियम्स डीके हो गए। कल अगर आप देखें तो कल इसी लेवल से अगर आपको बैंक निफ्टी एक अप मूव दिखाता है, यानी कि अब जो लेवल ये क्रिएट हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा। आपका 36,000 से 36,200 का जो ये लेवल बना है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर इसको तोड़ के यहाँ से नीचे आता है बैंक निफ्टी तो आपको 35,800 के लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। गैप अप खुल के नीचे आता है तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। गैप डाउन खुल जाता है बहुत ज़्यादा और 35,800 के आसपास ट्रेड करता है तो आप कल ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी अपना गैप कवर कर चुका होगा एंड यहाँ से अगर अप मूव करेगा तो इसको दोबारा 36,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वही अगर ये फ्लैट खुलकर ऊपर का मूव कंटिन्यू करता है तो आपको बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स की ओर। आज का जो पहला स्टॉक है वो है ग्रेविटास। ग्रेविटास में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा बैक ट्रैक करके देखें तो आपको पता चलेगा दैट ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। कई सालों बाद आपको ऐसा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर आप देखें ये ऑलमोस्ट 2012-13, उसके बाद 2018 एंड
अब जाकर इस लेवल को तोड़कर ग्रेविटास ऊपर निकला है। तो पोजिशनली इस ब्रेकआउट को मैं कैप्चर करने की सलाह दूंगा, दैट आप पोजिशनली इस ब्रेकआउट को कैप्चर कर सकते हैं एंड आपको नियर फ्यूचर में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इसमें। दूसरी चीज, क्योंकि ये स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 12.7% अप मूव आज इसने दिया है, तो कल के दिन आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल सकता है इसमें। अगर रिट्रेस होता भी है तो 200 के लेवल तक अगर ये आ जाता है तो वहां पर आप इसको बाई करके चल सकते हैं। पोजिशनली काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा स्टील। टाटा स्टील भी मैं पोजिशनली एडवाइस करूंगा बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाता हुआ जा रहा है एंड दिस इज अ लेवल जहां पर इसने अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ा है एंड एक ब्रेकआउट दिया है, तो इस लेवल पे इसको अगेन आप पोजिशनली लेकर चल सकते हैं। अ ग्रेट स्टॉक, आने वाले टाइम पे आपको ये 1600 प्लस के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा, तो पोजिशनली स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। एंड लॉन्ग साइड पे वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड हैज गॉट अ गुड एंड प्रॉमिसिंग रिटर्न। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।